फर्स्ट ईयर की ड्राइंग की क्रिएटिव डिज़ाइन की क्लास में आज हम फिर जो हमने कल किया था पिछले वीडियो में उसे आगे का काम देखेंगे। आप देखिए इतना हो गया था, उसके बाद में अब हमको जो बाकी के एरियाज हैं उनको कैसे बनाना है, कैसे बैलेंस करना है और कौन से जो मेन हमारे शेप हैं उनको बाहर निकालना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए ये जो लाइट एरिया है और ये है, इसके बीच में ये जो जगह है इसको हमको अब कुछ करने की ज़रूरत है, तभी हमारे ये दोनों जो बाकी के एरियाज हैं ये हमारे जो मेन शेप है वो बाहर निकलेंगे। तो ये देखिए आज हम ये शुरू कर रहे हैं, इसको हम ये करते हैं, ये देखिए आप है ना, ये यहाँ पर हमने इसको फिर ये कलर भरना, कलर ही इसको मान लीजिए आप, क्योंकि ये जो है हमारा हमारे पास एक कलर है समझ लीजिए और पेंसिल कलर है और इसी को गहरा और हल्का करते हुए अपने को भरना है। तो ये देखिए आप, ये हमने कर दिया। कई बार आपको ऐसा लगता है कि मान लीजिए एरिया बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा है तो उसको हम उसमें कुछ और शेप डाल के डिवीजन भी कर सकते हैं, जैसे ये आप सड़क जैसा भी बना सकते हो ना, ये जैसे एरिया हो गया एक, ये यहाँ से आपने ऐसे निकाल दिया, ये वापस यहाँ से ऐसे निकाल दिया। अब इसको हम यहाँ से इस तरह से कर दिया, चाहे तो बीच में व्हाइट इस तरह के लाइंस भी छोड़ सकते हैं। ये एक तरह से फिलअप हमारा हो गया। अब इसको अलग अलग शेप्स यानी डार्क लाइट जितना कर सकते हैं, जहाँ पर जितनी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हम ये करेंगे। यहाँ इस वाले एरिया को और गहरा करिए, ये देखिए इसको थोड़ा सा डार्क कर दें ताकि ये साफ दिखे। ये आप दिखाना चाहें तभी दिखाएं, आपको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ पर लाइट रखना है तो भी आप रख सकते हैं। इसको भी हमको थोड़ा डार्क करेंगे हम, इसको भी डार्क कर दिया, इसको डार्क कर देते हैं, इसको डार्क कर दिया, फिर इसको यहाँ से हमने डार्क किया, देखिए आप ये हो गया। अब हम ये जो एरिया है इसको भी थोड़ा फिनिश करते हैं, थोड़ा सा एक ऊपर हम लेयर और चढ़ा लेते हैं, थोड़ा लेयर और चढ़ाएंगे हम, एक टोन कह रहे हैं। जब आप पोस्टर कलर भरेंगे ना, पोस्टर कलर भरेंगे तो उसमें इसी तरह से आपको, यदि लाइट है तो उसके ऊपर डार्क टोन चढ़ाना इस तरह से आपको, तो ये इनिशियली आपके प्रैक्टिस के लिए होता है। इसका ये आपका पेपर में भी आता है, थर्ड जो आपके 3 क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनेशन में, उसमें ये भी आपको एग्जामिनर पूछते हैं, तो आपको इसलिए आप ऐसा मत सोचिए कि केवल ये ऐसा ही कर रहे हैं
नहीं करेंगे तब भी चलेगा, आपको इसकी अभ्यास निश्चित रूप से करना है और अच्छे से करना है। जब हमने शुरू किया था वो आपने पिछले वीडियो में देखा ही था, और अब जब ये पूरा होगा तो आप देखिएगा कि ये आपको किस तरह से डिफरेंट होता है, उसे आप देखना कितना फर्क आ जाएगा। अब मुझे ये लगता है कि इस वाले कोने को और ज़्यादा गहरा करेंगे तो ये बैलेंस बनेगा, है ना। तो अभी हम इसको और थोड़ा गहरा कर देते हैं। अब आपको यदि लगे कि इधर भी इतना वाइट एरिया है और इधर भी इतना वाइट एरिया है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो एरिया है इसको हम थोड़ा डार्क कर दें। तो देखिए आप, ये एरिया अभी निकल के बाहर आएगा, एकदम से हाईलाइट हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से एरिया को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, कौन से को आप मिडिल ग्राउंड की तरह यूज़ करना चाहते हैं, और कौन सा एरिया आपका बैकग्राउंड की तरह यूज़ होगा। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब हम क्या करते हैं कि जैसे ये वाला एरिया इंटरेस्टिंग हो गया, अब ये इतना वाइट यहाँ होने की वजह से ये ध्यान इधर से होकर इधर भी आता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हम ध्यान तो इधर लाना चाहते हैं, पर जितना वजन इधर है उतना यहाँ नहीं रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ इसको थोड़ा सा डल कर देते हैं। ये देखिए अब ये पूरा फॉर्म निकल के आने लगा है। तो करीब अब मुझे लगता है कि यहाँ पे इसको यदि मैं और थोड़ा डार्क कर दूँ तो और निकलेगा है। तो हम ये भी करते हैं। चलो इसको हम इस तरह से जो ये देखिए अब जैसे व्हील जैसा भी बन गया और इसमें ये डार्क टोन भी आ गया। ये पूरी चीज आपके पास एक बार निकल के आ गई। अब ये देखिए आप जो पीछे बैठने का कैरियर है ना, वो ये बन गया आपका। देखिए यहाँ अब ऐसा है, यूँ लग रहा है जैसे कि बहुत ही रफ जैसे हमने लाइन्स खींचे हैं, तब इसको फिनिश भी करना होगा, दिखने में भी सुंदर लगना चाहिए।
लाइंस दिखे कोई दिक्कत नहीं, पर उसकी भी अपनी ब्यूटी, वो एक जो लाइन चलाई है आपने उसकी लाइफ न, उस वो रिदम में उसका एक लाइफ आपको नजर आनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि जैसे बेहतरबी से खींचती है वो लाइंस। देखिए अब आपको ये सामने दिखता है कि ये साइकिल है, कहीं रास्ते में जा रही है, कोई पेड़ ऐसे, मतलब आपको एक इफेक्ट आता है, एक उस तरह का एटमॉस्फेयर भी क्रिएट होता है और साइकिल की आपकी ये डिज़ाइन भी बन गई। तो आपको इस तरह से ध्यान में रख करके और दूसरे भी जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, बहुत सारी चीज़ें घर में भी हमारे रखी रहती है, तो उनसे डार्क की ओर जाते हैं, है ना। इसमें जो ये इफेक्ट आ रहा जाता हुआ तो ये क्या होता है कि इसे कटता नहीं है, हल्का सा इसको ये जब लगता है ये सजेस्टिव ड्राइंग ऊपर की तरफ कंटिन्यू है और एकदम से अलग भी नहीं दिख रहा, मर्ज हो रहा है इसमें, ये बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसमें आपको मान लीजिए यहाँ से एक शार्प लाइन चाहिए, इसको आप इस तरह से डाल सकते हैं। ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है इसमें, है ना, पर एकदम से साफ भी नहीं दिखती है, इसमें मर्ज भी हो जाती है, तो ये एक अलग तरह का खूबसूरती इसमें पैदा हो जाती है, इस तरह से टेक्सचरल वैल्यू भी आ जाती है इसके अंदर, है ना। अब ये जैसे वाइट है यहाँ, मुझे लगता है इसको हम जो थोड़ा सा ऐसा करते हैं, ये देखो और निकल आया है आपके सामने एक डिज़ाइन, एक फॉर्म ये ज़रूर निकल के आनी चाहिए मेन, कि आपने बनाया क्या है, वो बिखरा नहीं होना चाहिए। अब जैसे मेन ये हो गया, ये आया इधर से, तो साफ दिख रहा है कि एक साइकिल का रेंडरिंग आपने, साइकिल की डिज़ाइन आपने बनाई है। आपको ये यदि बहुत ज़्यादा वाइट आपको लगे कि मैं कैसे आप देखें, कई बार ऐसा लगता है यदि मैं ये कर दूंगी तो फिर ख़राब हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे दबा के भी देख सकते हैं कि हाँ ये आप कैसा लग रहा है। मुझे लगता है कि यदि मैं इसको भी कहीं कर दूं तो भी अच्छा लगेगा, इसको यदि हल्का सा ऐसा कर दूं मैं, देखिए हम करके देखते हैं, और इसमें घबराना नहीं, डरने वाली ज़रा भी बात नहीं है। ये लीजिए मैंने इसको हल्का सा दबा दिया, सा लाइट टोन कर दिया, अब क्या हुआ आपका ये देखिए ये निकल रहा है। अब लगता है कि नहीं मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, यही मुझे अच्छा लग रहा, तो आप इसको बेशक थोड़ा सा और बढ़ाना, ये देखिए ये आपकी मेन आ गई। अब ये आपको मान लो ये लगता है इसको हम पूरे को, और आप हर मोमेंट को हर स्टेप को एंजॉय करके बनाइए कि मैंने क्या, अरे ये कितना सुंदर लग रहा है, कि नहीं अब इसको मैं ऐसे बना सकती हूँ तो उसको वैसे चेंज कर लीजिए। ये देखिए हो गया, अब आपको मेरे ख्याल से कुछ चीज़ समझ में आई होगी। तो आप इसी तरह से साइकिल का रेंटिंग करना, साइकिल आपके सामने है और सबको पता ही है कि कैसी होती है, तो उसका आप इस तरह से डिज़ाइन बनाना 4x6 के रेक्टेंगुलर में,
और एक 5x7 में। ये आपका होमवर्क हो गया, असाइनमेंट हो गया, और इस तरह से आप काम करेंगे। धन्यवाद।